हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड सिक्स का ज्योग्राफी फर्स्ट लेसन द अर्थ एंड द ग्रेटिकुल्स इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखने वाले हैं। क्वेश्चन प्लेस अ टिक मार्क राइट अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसके आगे हमें राइट टिक करनी है। सो फर्स्ट है उसमें व्हाट टर्म इज यूज फॉर इमेजिनरी ईस्ट वेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द अर्थ। इमेजिनरी जो ईस्ट वेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या टर्म यूज करते हैं? सो उसको मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट लाइन्स और पैरेलल्स। तो उसको हम पैरेलल्स ये टर्म यूज करते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ मेरिडियंस? मेरिडियन का शेप कैसा है? सो मेरिडियन का शेप सेमी सर्कुलर है। थर्ड है व्हाट डू द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड टुगेदर फॉर्म अ ग्लोब। लैटिट्यूड ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड सो टुगेदर क्या ग्लोब फॉर्म होता है? तो वो है ग्रेटिकुल। फोर नंबर है हाउ मेनी पैरेलल्स आर देयर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर में कितने पैरेलल्स है? तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में 90 पैरेलल्स है। फाइव है विच सर्कल फॉर्म द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सर्कल फॉर्म है? सो उसमें 2 डिग्री प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन ये सर्कल फॉर्म है। तो इसके आगे आपको राइट टिक करनी है। विच सर्कल अपीयर्स एज अ पॉइंट ऑन द ग्लोब। ग्लोब पे कौन सा सर्कल है वो पॉइंट अपीयर है। सो ग्लोब पर नॉर्थ और साउथ पोल पॉइंट अपीयर है। हाउ मेनी प्लेसेस ऑन द अर्थ मे बी लोकेटेड ऑन 40 डिग्री नॉर्थ पैरेलल्स। तो यहाँ पे मेनी 45 डिग्री नॉर्थ पैरेलल यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस लोकेटेड है। क्वेश्चन बी है ऑब्जर्व द ग्लोब एंड एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट द रॉन्ग वंस। सो यहाँ पे हमें ग्लोब ऑब्जर्व करके स्टेटमेंट एग्जामाइन करने है और जो रॉन्ग वन है उसको करेक्ट करके राइट करना है। सो फर्स्ट है उसमें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड लाई पैरेलल टू द प्राइम मेरिडियन। उसका आंसर है रॉन्ग। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड लाई पैरेलल टू द इक्वेटर। सेकेंड है ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कन्वर्ज एट द इक्वेटर। तो उसका आंसर है रॉन्ग। करेक्ट स्टेटमेंट है पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड डू नॉट कन्वर्ज एट एनी पॉइंट। थर्ड वन है पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आर इमेजिनरी लाइंस। तो इसका आंसर है राइट। फोर वन है 8 डिग्री 4 डिग्री एंड 65 डिग्री इज अ नॉर्थ मेरिडियन। तो ये है रॉन्ग। करेक्ट स्टेटमेंट 8 डिग्री 4 डिग्री एंड 65 डिग्री इज अ नॉर्थ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। फिफ्थ वन है मेरिडियन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये है रॉन्ग। करेक्ट स्टेटमेंट है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर वेयर एज द मेरिडियन कन्वर्ज एट द पोल। सी क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट ग्रेटिकुल्स आउट ऑफ द फॉलोइंग एंड पिक अ टिक मार्क राइट अगेंस्ट ईच। यहाँ पे दिए गए ग्रेटिकुल्स में कौन सा राइट ग्रेटिकुल है उसके आगे हमें राइट टिक करनी है। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ग्रेटिकुल, उसके आगे आपको ऐसे राइट टिक करनी है। क्वेश्चन डी है आंसर द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट है हाउ विल यू एक्सप्रेस द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पे आप लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो आंसर है द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एट द नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री नॉर्थ। जो पैरेलल लैटिट्यूड है वो नॉर्थ पोल है 90 डिग्री नॉर्थ, उसको हम ऐसे लिखेंगे 90 डिग्री नॉर्थ। और सेकेंड है ऑल द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड पास थ्रू द नॉर्थ पोल। सभी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है वो नॉर्थ पोल से पास होते हैं। हेंस द नॉर्थ पोल डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड। नॉर्थ पोल को लॉन्गिट्यूड जैसी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। सेकेंड है हाउ मच इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का एंगुलर डिस्टेंस कितना है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो आंसर में आपको लिखना है द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इक्वेटर इज 23 डिग्री 30 सेकेंड एंड दैट बिटवीन
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर इज 23 degrees 30 minutes सिंस बोथ दीज पैरेलल लाई ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर. सो बोथ क्या है, पैरेलल है. द टोटल एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ देम इज 23 degrees 30 minutes प्लस 23 degrees 30 minutes इज इक्वल टू 46 degrees 30 minutes इक्वल टू 47 degree. क्योंकि 60 मिनट का क्या होता है, 1 डिग्री होता है, इसलिए 46 प्लस 1 47 हो गए. तो यहाँ पे आपको 47 डिग्री लिखना है. क्वेश्चन 3. यूजिंग अ ग्लोब राइट डाउन द नेम ऑफ द कंट्रीज थ्रू विच द इक्वेटर पास. यहाँ पे हमें ग्लोब का यूज करके इक्वेटर से कितने कंट्री पास होते हैं उनका नेम राइट करना है. एलाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, सो टोम एंड प्रिंसिपी, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, उगंडा, नेया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड इरिबाटी आर द 13 कंट्रीज थ्रू विच द इक्वेटर पास. ये 13 कंट्रीज है, इन सभी में से इक्वेटर पास होता है. क्वेश्चन 4. राइट डाउन द मेन यूज ऑफ ग्रेटिकुल्स. ग्रेटिकुल का मेन यूज क्या है, तो आंसर में आपको लिखना है ग्रेटिकुल्स इज मेनली यूज टू डिटरमाइन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अ अर्थ. अर्थ पे एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है ये डिटरमाइन करने के लिए ग्रेटिकुल का यूज होता है. सेकेंड पॉइंट है सम ऑफ द मॉडर्न डे एप्लीकेशन ऑफ द ग्रेटिकुल आर द ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, गूगल मैप्स, विकीमैपिया एंड भुवन ऑफ इसरो ऑन द इंटरनेट. सो इंटरनेट पे ये सभी एप्लीकेशंस अवेलेबल है, इन सभी का यूज करके हम अर्थ पे एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है वो डिटरमाइन कर सकते हैं. क्वेश्चन ई है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ये टेबल हमें कंप्लीट करना है. यहाँ पे शेप पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड का शेप कैसा है और मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड का शेप कैसा है यहाँ पे राइट करना है. साइज मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड की साइज नहीं दी है, वो भी हमें यहाँ पे राइट करनी है. डिस्टेंस पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का डिस्टेंस कितना है, कैसा है, वो हमें यहाँ पे राइट करना है. सो हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं. सो आंसर में शेप पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का शेप कैसा है, ईच पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज सर्कुलर इन शेप और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ईच मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज सेमी सर्कुलर इन शेप. साइज अभी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की साइज दी हुई है यहाँ पे, साइज ऑफ ईच पैरेलल इज डिफरेंट एंड साइज मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड की साइज कैसी है, साइज ऑफ ईच मेरिडियन इज द सेम. डिस्टेंस पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का डिस्टेंस कैसा है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पैरेलल इज द सेम. टू एडजेसेंट पैरेलल जो है उनका डिस्टेंस क्या है, सेम है. एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे सभी जगह लैटिट्यूड जो है उनका डिस्टेंस सेम है और डिस्टेंस मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन इज लॉन्गर ऑन द इक्वेटर. जैसे जैसे वो टूवर्ड्स पोल जाएंगे वैसे वैसे वो डिक्रीज हो जाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय.